देखिए, जब सत्ता सरकार आपने बनाई तब भी आप जानते थे कि इन हमारे पास नंबर नहीं है, है ना? तो तब आपने इनकी नियति पर संदेह नहीं हुआ कि हम क्यों करें ये, लिखित नंबर्स में नहीं लिया था हमने है? इनसे, हाँ हमने लिखित में पूछा था भाई 18 मुद्दे, इनमें साथ दोगे क्या? उन्होंने कहा देंगे, फिर भी हमको विश्वास नहीं था। फिर हमने जनता से पूछा, आपको पता है 280 मीटिंग हुई दिल्ली में, जी 257 मीटिंग्स में जनता ने कहा कि भैया एक बार साथ दे रहे हैं ले लो, देखते हैं क्या करते हैं, उतना काम कर लो। उतना काम किया। जब इन्होंने लोकपाल बिल पे, देर आर सम नॉन नेगोशिएबल्स, लोकपाल इज नॉन नेगोशिएबल, स्वराज इज नॉन नेगोशिएबल, जब इन्होंने लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस नहीं होने दिया, फिर हमने कहा जी अब हमें सरकार में नहीं रहना, वो मुझे गद्दी को लगा बचाना हमारा मकसद नहीं है, गद्दी पे बैठने के लिए नहीं आए, राइट, आम आदमी के लिए काम करने के लिए आए, आम आदमी है, आम आदमी के लिए काम करेंगे। कहीं इसका इंटरप्रिटेशन ये भी निकाला जा रहा है कि शायद आप पार्टी के दबाव में, लोकसभा इलेक्शंस की आपकी ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है पार्टी को, उस वजह से जो है एक रास्ता निकाला जल्दी से सरकार से निकलने की, थोड़ा बहुत दिखा के कि हाँ इतना कुछ हो सकता है, एक झलक दिया आपने और जल्दी से वहाँ से हट गए क्योंकि आपकी पार्टी को ज़रूरत है। वो तो मैं वैसे ही आ जाता। मोदी जी ने आ जाते इस्तीफा मगर थोड़ी दिल्ली दिया में है, तो सर मोदी जी को देखो कितनी कुर्सी की लालच है, जी, अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, सारा दिन कैंपेनिंग करते रहते हैं पूरे देश में। मैं भी कर तो आप लेता, भी ऐसे कर लेते हैं, मैं भी कर लेता। आप तो मॉडर्न कोड अलग हैं ऑफ, उनसे। मॉडर्न कोड ऑफ कंडक्ट आने वाला है 20-25 के आसपास, उसके बाद तो सरकार में कुछ काम नहीं होता, जी उसके बाद मैं निकल जाता। निकल जाते ये बहानेबाजी है हैं। मीडिया वालों की, बीजेपी कांग्रेस। अरे अरविंद को तो कैंपेनिंग करनी थी इसीलिए त्याग दे दिया। अरे कितने मंत्री हैं जो, कितने मुख्यमंत्री हैं जो अपनी कुर्सी छोड़ते हैं कैंपेनिंग। जी मैंने कैंपेनिंग के लिए कुर्सी नहीं छोड़ी, प्रिंसिपल्स पे छोड़ी है, मुद्दे पे छोड़ी है। तो एक आपके रेजिग्नेशन के बाद जो है आप शायद, आप कह रहे हैं हो जाएगा, शायद दिल्ली को एक मफलर वाले चीफ मिनिस्टर जो है दोबारा नसीब हो या ना हो, मगर देश को क्या है मफलर वाला प्राइम मिनिस्टर नसीब में है? मेरे को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना सर, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आपको तो मेरी, चीफ मिनिस्टर भी नहीं बनना था। हाँ मेरी कोई औकात नहीं है, मेरे को कुछ नहीं बनना, देश को भ्रष्टाचार से बचाना है, और इसके लिए मेरे शरीर का एक एक कतरा भी अगर काम आए, अगर मुझे अपनी जान देनी पड़े तो बहुत सौभाग्यशाली समझूंगा। मेरा सपना प्रधानमंत्री बनने का नहीं है, मेरा सपना है कि इस देश को भ्रष्टाचार से बचाने की लड़ाई में मैं कुर्बान हो जाऊँ, ये मेरा सपना है, ये मेरी इच्छा है। तो आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे कि नहीं होंगे? मैं कोई उम्मीदवार नहीं कोई हूँ उम्मीदवार ना, नहीं? लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कि नहीं वो भी लड़ेंगे? कोई मुद्दा नहीं है, मैं अब लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा, मुद्दा है इन भ्रष्टाचारियों को संसद में नहीं जाने देना आपके लिए नहीं है मगर लोगों के लिए है, क्योंकि आप नेता हो ना। तो मैं कोई नेता हूँ लोग जी ना, जानना मैं, चाहेंगे। आप तो नेता बन गए मेरे को अब। हमारा मकसद है जो संसद के अंदर इतने गंदे लोग बैठे हैं, सब गंदे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी हैं, ये जो गंदे लोग बैठे हैं, कलमाड़ी, कनिमोई, राजा, कपिल सिब्बल, ऐसे लोगों को अपने अंदर जाने देना, इन सब के खिलाफ आदमी खड़ा करेंगे हम, कैंडिडेट खड़े करेंगे। अब जनता को तय करना है, जनता उनको किसको वोट देती तो है। क्या वहीं तक सीमित रह जाएगा कि 50 लोग अगर ऐसे हों, क्रिमिनल, करप्ट और क्रिमिनल, डायनेस्टिक, करप्ट, डायनेस्टिक एंड कम्युनल, कम्युनल? इनमें 90% आ जाएंगे। कम्युनल तो आपने देर से जोड़ा, पहले नहीं ये चार कैटेगरी पहले से थी थे, पहले तो 3 था। ना, चार थी, अच्छा, चारों थी, और इनमें आप देख लीजिए 90% आ जाएंगे, तो कोई किसी का भतीजा, कोई किसी का मामा, चाचा, बहू, सारे सारे तो उसमें आ इसका जाएंगे। मतलब है वापस वी आर लुकिंग एट 350-400 आई सीट्स रियली आम डोंट आदमी नो, आई पार्टी, रियली डोंट नो, नहीं? वी विल डू आर बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। आपने अभी कहा था कि सब गलत नहीं होते, सब गंदे नहीं होते, तो आपके धरने के टाइम पे जो है, जैसे आपने पुलिस पे बोला करते थे उन दिनों आप, कि लग ऐसा रहा था कि पूरे पुलिस महकमे ही नहीं, पुलिस कर्मचारी सबको आप कह रहे हैं कि भ्रष्ट है। ना ना ना, दो सवाल है इसमें, एक तो क्या सिर्फ पुलिस ही भ्रष्ट है, दूसरा क्या ये कहना कि सब पुलिस वाले भ्रष्ट है ये ऐसा सही मैंने है? कभी नहीं कहा। जी पुलिस वाले स्पेशली नीचे के लेवल पे बहुत अच्छे हैं, और कई आते थे हमारे पास, हमारे साथ धरने पे बैठते थे, वर्दी उतार के आते थे जी और कहते थे जी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये ऊपर वाले हमसे हफ्ता मांगते हैं इसीलिए हमें इकट्ठा करना पड़ता है, आप इन ऊपर वालों को ठीक कर दो, देखो सब ठीक हो जाएगा। और दिल्ली में पुलिस के करप्शन में काफ़ी कमी आई है, मुझे पता चला है 26 जनवरी के आसपास काफ़ी पैसा अगवाई होती थी दिल्ली के अंदर, वो सब बंद हो गया इस बार। तो दिल्ली पुलिस के नीचे वाले अच्छे हैं, ये ऊपर वाले जो है ना,
इन्होंने गड़बड़ कर रखी है। नीचे वाले भी काफ़ी आपसे परेशान थे। हम एक पुलिस कॉलोनी गए थे जिन दिनों आप धरना दे रहे थे, वहाँ पे फैमिली से बात की हमने, तो वहाँ पे दो लड़कियाँ, वो एक मानसी थी 11 साल की थी, उन्होंने कहा केजरीवाल अंकल हमारे पापा चोर नहीं है, ठीक। और पता चला कि इन बच्चों की वजह से, कई और जगह भी यही हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ जो है अपने माँ बाप को ये कह के कि अरविंद केजरीवाल को वोट देना है, आपके आपके लिए वोट दिलवाया था, उन सबको क्या कहेंगे आप? जैसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये गलत इंप्रेशन गया, मैंने कभी नहीं बोला कि पुलिस फोर्स चोर है और ये सिस्टम चोर है, मैंने बार बार बोला, मैंने कितनी बार बोला है कि ये ऊपर वाले हैं जो डिमांड करते हैं पैसा, जिनके लिए इनको इकट्ठा करना पड़ता है। पुलिस के कितने लोग आए थे हमारे पास जो हमें सपोर्ट करते हैं? पुलिस फोर्स चोर नहीं है, ये ऊपर वाले चोरी कराते हैं। तो मानसी और कुनिका को क्या कहेंगे? मानसी और उनको मैं ये कहना चाहूंगा, आपके पापा बहुत अच्छे हैं और आपके पापा के साथ मिलकर हम भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई आपके पापा के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है और उन ऊपर वालों के खिलाफ है जो लोग आपके पापा को मजबूर करते हैं और आपके जैसे कई दूसरे पापा को मजबूर करते हैं कि वो हफ्ता इकट्ठा करके लाके उनको दें। ये आपका मैसेज। तो हाल ही के दिन जो हुआ है, काफ़ी लोग जैसे आपके समर्थक थे उनको ये लगने लगा है, पर्सनली भी बताऊंगा मैं जिन जिन से मिलता हूँ, कि एक अरविंद केजरीवाल एजिटेशन अच्छा कर लेते हैं, एक्टिविज्म अच्छा कर लेते हैं, शायद सरकार से सरकार नहीं चला पाए, गवर्नेंस नहीं है। हाँ, गवर्नेंस के बारे में कांग्रेस वालों को आती है जी, बीजेपी वालों का आप भी हंस रहे, देखिए कांग्रेस और बीजेपी वालों को आती है। 2,00,000 करोड़ रुपए लूटना हो इनको पता है कैसे लूटना है, 3,00,000 करोड़ लूटना हो, होड़ मची हुई है। 5 साल से पूरी दिल्ली कह रही थी सीएजी ऑडिट कराओ, सीएजी ऑडिट करवाओ, सीएजी ऑडिट करवाओ। शीला दीक्षित कहती थी हो नहीं पा रहा, केस चल रहा है कोर्ट में, बीजेपी वालों के साथ इनकी मैच फिक्सिंग थी। हमने 5 दिन के अंदर सीएजी ऑडिट करवा दी, करवाई कि नहीं कराई, और कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। 65 साल के अंदर देश के अंदर इतने भ्रष्टाचार था, इतना भ्रष्टाचार था, हमने 49 दिनों के अंदर भ्रष्टाचार को काफी कम ले आए। अभी एक इंडिपेंडेंट स्टडी आ रही है जिसमें पता नहीं 30 या 40% बता रहे हैं भ्रष्टाचार दिल्ली में कम हुआ है जी। और ये कहते गवर्नेंस नहीं आती हमको। 30 साल हो गए सिखों के राइट्स को, सिख कह रहे थे SIT बनाओ, SIT, बीजेपी की भी सरकार आई बीच में, बीजेपी की सरकार ने अपने से ही मांग की, बीजेपी वॉज डिमांडिंग फ्रॉम देमसेल्स SIT बनाओ, SIT बनाओ। 6 साल तो उनकी NDA की सरकार सेंटर में रही, 5 साल दिल्ली के अंदर रही, उनसे नहीं बनी SIT। हमने 5 दिन के अंदर SIT बना दी, कहते हैं हमें गवर्नेंस नहीं आती। अभी देश के सबसे बड़े अखबार ने स्टोरी की है कि दिल्ली के अंदर RTO के अंदर अब दलाल गायब हो गए जो इतने सालों से थे। 48 दिन के अंदर हमने ट्रांसपोर्ट ऑफिस में दलाल गायब कर दिए और कहते हैं हमें सरकार चलानी नहीं आती, हमें गवर्नेंस नहीं आती। दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां नहीं मिलती थी, डॉक्टर सीट पे नहीं मिलते थे, अब लोग कहते हैं दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां मिलने लग गई है, कहते हैं हमें सरकार चलानी है। और क्या होता है सरकार चलाना, आप ही बताइए। हमने मुकेश अंबानी के खिलाफ FIR करी तो कुछ मीडिया वालों ने आके मुझे कहा, कहते जी ये सब क्या कर रहे हो, सरकार चलाइए ना। तो मैं समझ नहीं पा रहा ये सरकार चलानी होती क्या है। ये मीडिया वाले वाकई में आते हैं आपके पास, आप ये बढ़िया से बना लेते हैं? सर आप तो जानते हो मीडिया वालों को। हाँ बताइए आप अपनी बात। तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार होती क्या है। भाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ FIR कर रहे हैं तो कहते हैं सरकार ने चलान दिया, अस्पताल सुधर गए तो कहते हैं सरकार ने चला, और क्या होती है सरकार कैसी करते हैं? सरकार में रह के ये 40 दिन में क्या आपको जो रियलाइजेशन हुआ क्या है सर गवर्नेंस के बारे में? मेरे को ये लगा कि एक ही कमी है सबसे ज्यादा, पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी थी, ईमानदारी की कमी थी, वो नहीं थी सरकार में, वो हम लोग ले आए बस। बाकी ऐसा कोई सरकार चलाना इज नॉट रॉकेट साइंस। भारत के लोग दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, तो अगर हम लोग अगर हम अच्छे लोग चले जाएं सरकार के अंदर तो मुझे लगता है दुनिया का सबसे सुपर पावर बन सकता है भारत।